السلام عليكم dear students, उम्मीद है आप सारे खैर से होंगे। लास्ट क्लास पे हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्टिकल एनालिसिस एक्सप्लेन किया था कि वो किस तरह हम करेंगे, ठीक है, कि हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किस तरह अप्लाई करेंगे बैलेंस शीट पर, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे इस टेबल पर, इसी तरह वर्टिकल एनालिसिस अप्लाई करेंगे बैलेंस शीट पर, किस तरह अप्लाई करेंगे बैलेंस शीट पर और किस तरह वर्टिकल एनालिसिस अप्लाई करेंगे इनकम स्टेटमेंट पर, सारा हमने एक्सप्लेन किया वीडियो में, प्लीज़ आप देखें। नाउ टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 10 इज फाइनेंशियल रेशोज, वो भी इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक हिस्सा है। जिस तरह हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, वर्टिकल एनालिसिस करते हैं, इसी तरह हम रेशो एनालिसिस करते हैं। रेशोज़ की मदद से हम मालूम करते हैं कि एक कंपनी की जो फर्ज करें एक डेट है और एक इक्विटी का आइटम है, दोनों को क्या कंपेयर, दोनों को कंपेयर करेंगे कि हमारे पास इस वक्त कर्जा कितना है, डेट कितना है, लोन कितना है और हमारे इस वक्त इक्विटी या कैपिटल कितना है, दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। इस तरह और भी बहुत से रेशोज़ हैं कि हम मालूम करते हैं, रेशो से मालूम करते हैं कि हमारे कंपनी के जो डिफरेंट आइटम है, डिफरेंट वो है, ठीक है ना, टर्म्स है, वो किस आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, डेट का क्या हालत है, कैपिटल का क्या हालत है, इस वक्त हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे लाइबिलिटीज़ कितने हैं एसेट्स के मुकाबले में, तो डिफरेंट रेशोज़ हैं, ठीक है, इसी तरह पढ़ते जाएँ, ईजी है। फाइनेंशियल रेशोज आर जनरली डिवाइडेड इन टू फाइव कैटेगरीज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, फाइनेंशियल रेशोज होता है एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है, एक लिक्विडिटी रेशोज, डेट रेशोज, एसेट इक्विटी रेशोज एंड मार्केट वैल्यू। द रेशोज इन ईच ग्रुप गिव अस इनसाइट्स इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फर्म्स फाइनेंशियल हेल्थ। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज क्या होते हैं, मेजर हाउ मच कंपनीज रेवेन्यू इज ईटन अप बाय एक्सपेंसेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से हमें मालूम होता है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो कितने हैं, उसके मुकाबले में उसने एक्सपेंसेस कितने इस्तेमाल किया है, ठीक है, कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया उसके मुकाबले में उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। इसी तरह लिक्विडिटी रेशोज इंडिकेट हाउ क्विकली एंड इजिली अ कंपनी कैन ऑब्टेन कैश फॉर इट्स नीड्स। लिक्विडिटी रेशो से हम ये आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कंपनी कितने आसानी से अपने लिए कैश का बंदोबस्त कर सकता है, कितने जल्दी वो कैश का अपने हाथ में ले सकता है। डेट रेशोज क्या होता है, डेट रेशोज मेजर हाउ मच अ कंपनी ओज टू अदर। डेट रेशोज के जरिए हमें मालूम होता है कि हमने दूसरों को कितना कर्जा वापस करना है, कितना लोन वापस करना है, डेट रेशोज के जरिए। एसेट एसेट एक्टिविटी रेशोज मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स। एसेट एक्टिविटी रेशोज के जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि कंपनी कितने एफिशिएंटली अपने एसेट को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। मार्केट वैल्यू रेशोज मेजर्स हाउ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी स्टॉक कंपनीज टू कंपनीज टू इट्स अकाउंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक कैलकुलेटिंग द रेशोज, इसमें सिंपल आपको एग्जाम में इस तरह आ सकता है कि आपको एक इनकम स्टेटमेंट दिया होगा, ये इनकम स्टेटमेंट है एक्ट में, कॉर्पोरेशन इनकम स्टेटमेंट देखें, इनकम स्टेटमेंट देखें, इसमें सेल्स भी है 10 मिलियन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है ये से माइनस किया है तो क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 6 मिलियन है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस करो, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इस ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करो तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड EBIT इतना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस, और ऑपरेटिंग इनकम भी इसको बोलते हैं, इस ऑपरेटिंग इनकम से EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या माइनस करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करो तो क्या बच जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट तो हट गया, अर्निंग बिफोर टैक्सेस EBT इतना आ गया, EBT अर्निंग बिफोर टैक्सेस से टैक्स माइनस करो, अर्निंग बिफोर टैक्सेस से टैक्स माइनस करो जिसे 40,000 तो क्या बच जाता है, नेट इनकम। नेट इनकम तक याद रखिए, ये हमारा, ये आपको सब कुछ दिया होगा, ये सब कुछ आपको एग्जाम में दिया होगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल रेशोज की बात कर रहा हूँ, आपको ये सब कुछ दिया होगा फाइनेंशियल रेशोज में, ठीक है, ये भी दिया होगा और एक्ट में कॉर्पोरेशन का बैलेंस शीट भी दिया होगा या जो भी एक्स वाई जेड कंपनी का बैलेंस शीट आपको दिया होगा या इनकम स्टेटमेंट भी दिया होगा। करंट एसेट्स इतने हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टोटल करंट एसेट्स इतने, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये क्या है, फिक्स एसेट्स है इतना, तो टोटल एसेट्स दोनों को, करंट एसेट्स फिक्स एसेट को प्लस करो तो कितना 50 मिलियन आउट। इस तरफ आ जाए लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, या लाइबिलिटीज एंड इक्विटी की तरह, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, एसेट इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, ये करंट लाइबिलिटीज है, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, टोटल करंट लाइबिलिटीज इतने हो गए। नाउ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड प्रेफर्ड स्टॉक, बॉन्ड्स पेबल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, प्रेफर्ड स्टॉक, इन दोनों को प्लस करो तो टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्रेफर्ड स्टॉक आ जाता है। उसके बाद क्या दिया है, कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी या कैपिटल, या कॉमन स्टॉक इक्विटी या कैपिटल, ठीक है, कॉमन स्टॉक इतना है, कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार इतना है, रिटेन अर्निंग्स इतने हैं, टोटल
टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी इतना है, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी 9, टोटल लाइबिलिटीज प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक इक्विटी, अब 3000 को प्लस किया तो इतना आ गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, इस करने का मकसद यह है कि आपको इनकम स्टेटमेंट दिया होगा, आपको बैलेंस शीट दिया होगा, और इसको देखते हुए, इस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखते हुए आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना होगा जितने भी रेशोज है इस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर। नाउ लेट्स एनालाइज एक्मिस कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल हेल्थ बाय कैलकुलेटिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, डेट, एसेट यूटिलाइजेशन एंड मार्केट वैल्यू, जितने भी रेशोज हम इस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज मेजर हाउ द फर्म्स रिटर्न कंपेयर टू इट्स सेल्स एटसेट्रा। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करना है, प्लीज बैठे, ठीक है ना। आपको कुछ याद करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में 6 रेशोज आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में कौन से रेशोज आते हैं, 6 रेशोज आते हैं। फर्स्ट रेशो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन याद रखे। अच्छा बेटे सर ना, इसमें से बस जो फार्मूले है वो थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हुए, थोड़ा सा फिगर मिसिंग है, तो प्लीज़ आप, मैं आपको बताता जाऊँगा अपने साथ लिख के, ताकि आपको वीडियोस की मदद से इसको पता चले कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का क्या फार्मूला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेजर्स हाउ मच प्रॉफिट रिमेन्स आउट ऑफ ईच सेल्स और आउट ऑफ द कॉस्ट। ये भी याद करने की जरूरत है, आपने सिर्फ फार्मूला याद करना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो अगर आपसे मैं एग्जाम में आंसर आ जाए कि आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मालूम करें, इस बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट को देखकर आपने क्या मालूम करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किधर होता है, बैलेंस शीट में कि इनकम स्टेटमेंट में। आप आ जाएंगे, अब बैलेंस शीट की तरफ आ जाए, बैलेंस शीट में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है नहीं, इसमें एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं और कैपिटल होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किधर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो किधर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो, देखे बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट किधर है, ग्रॉस प्रॉफिट आप आ जाए इनकम स्टेटमेंट में, आ जाए इनकम स्टेटमेंट, ये ग्रॉस प्रॉफिट किधर लिखा हुआ इनकम स्टेटमेंट में, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 6 मिलियन। तो बस आप डायरेक्ट लिखे ग्रॉस प्रॉफिट 6 मिलियन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन divided by gross profit divided by sales, gross profit margin is equal gross profit divided by sales. Sales kidhar hai, sales again sales ki taraf aa jaye, sales balance sheet mein hota hai nahi, sales kidhar hai income statement mein, sales ka matlab revenue 10 million. To gross profit kitna hai 6 million divided by sales 10 million, theek hai. To dekhe gross profit margin aapko malum ho jayega, gross profit margin aapko aasan se malum, gross profit this ratio shows how well a firm generates. देखो देखो, to find the gross profit margin of Acme look at figure 5.1 Acme income statement. We see that Acme's gross profit for the year was 6 million. Gross profit आपको बता दिया मैंने, and its sales revenue was 10 million. Dividing 6 million by 10 million yields Acme Corporation's gross profit margin for 0.6 or 60%. That ratio shows the Acme's, ठीक है, gross profit margin मालूम हो गया आपको. Now second profitability ratio क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपने याद रखना है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तो खो गया, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय सेल्स, EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय सेल्स। तो आपको अगर एग्जाम में आ गया कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मालूम करें, अगर आपको सामने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस किधर होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इनकम स्टेटमेंट में होता है, डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स भी इनकम स्टेटमेंट में होता है। तो आप डायरेक्ट जाए इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस देखे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, अब सब कुछ आपको दिया होगा, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, $200,000 डिवाइडेड बाय सेल्स $10 million, ठीक है, 10 मिलियन। तो इसको आप अर्निंग बिफोर, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मालूम हो जाएगा, अर्निंग बिफोर, तो शोर्ट और इनकम इज, देखे एक्मेज का जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें EBIT कितना है, इनकम स्टेटमेंट में $300,000 डिवाइडिंग 3.2 मिलियन बाय इट्स सेल्स रेवेन्यू ऑफ 10 मिलियन, सेल्स कितना है इनकम 10 मिलियन अगेन, प्रॉफिट मार्जिन 30.32, देखो 0.32 और 32% ये आ जाता है आपके पास, ठीक है, रेशो आ जाता है। नाउ नेट प्रॉफिट मार्जिन,
नेट प्रॉफिट मार्जिन किस तरह मालूम करेंगे, इसका फार्मूला सिर्फ आपने याद करें, छोड़ दें थ्योरी वगैरह, सिर्फ फार्मूला याद करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय, नेट इनकम किधर होता है, इनकम स्टेटमेंट में होता है, नेट इनकम अगेन इधर आ जाए, नेट इनकम आपके सामने दिया गया, नेट इनकम ये है बेटे, नेट इनकम ये है 110,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स ये है 10 मिलियन, तो इससे आपको आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया, नेट इनकम आपके पास इनकम स्टेटमेंट में डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट इनकम इतना है, सेल्स इतना है, इज इक्वल टू 0.111 और 11.1%, ठीक है। ये क्या हो गया, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया। थर्ड, फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स इसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स, उसका फार्मूला क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अच्छा, नेट इनकम किधर होता है, इनकम स्टेटमेंट में होता है, यस। टोटल एसेट्स किधर होंगे, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं होगा, ये आपने बैलेंस शीट में आप देखना है, आपने इनकम स्टेटमेंट में भी देखना है, इस रिटर्न ऑन एसेट्स से ये मालूम होता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट में भी देखना है, क्योंकि नेट इनकम इनकम स्टेटमेंट में होता है, नेट इनकम, और जो टोटल एसेट्स होते हैं ये बैलेंस शीट में होता है, तो आपने इनकम स्टेटमेंट में देखना है नेट इनकम कितना है, नेट इनकम इतना है, नेट इनकम आपका ये है, नेट इनकम उसके जरिए इनकम स्टेटमेंट 110,000, और टोटल एसेट्स कितने होंगे, बैलेंस शीट में है, टोटल एसेट्स कितने हैं, 50,000, ये टोटल एसेट्स आपको बैलेंस शीट में दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज, कौन सा आइटम किधर देखना है, इनकम स्टेटमेंट में देखना है कि बैलेंस शीट में देखना है, तो रिटर्न ऑन एसेट्स देखो इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, नेट इनकम इज 110,000 और 50,000, तो दिस इज इक्वल टू 0.022 और 2.2%, ठीक है। ये क्या था, रिटर्न ऑन एसेट्स था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फिफ्थ क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी, ये रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है, तो अगेन नेट इनकम किधर होता है, नेट इनकम होता है आपके इनकम स्टेटमेंट में, बार बार आपको दिखा रहे 110,000 डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी, कॉमन इक्विटी 9,000,000, देखो नेट इनकम देखे इधर से, नेट इनकम अगेन 110,000 आ गया इनकम स्टेटमेंट से, और कॉमन स्टॉक इक्विटी, कॉमन इक्विटी ये है टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी, दैट इज 9,000,000, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी आप बैलेंस शीट से मालूम करेंगे कैपिटल के उस सेक्शन में, ठीक है, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी वो कितना है 9,000,000, ठीक है, तो ये आपको मालूम हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी का, रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फार्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला, नेट इनकम 110,000 और कॉमन इक्विटी कितना है 9,000,000 इज इक्वल टू 0.123 और 12.3%, ठीक है, ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नाउ डिफरेंट रेशियोज आते हैं, अब आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज की, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बाद क्या आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए, सिंपल सिंपल आपको दिया है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब है कि आप कितना जल्दी कंपनी अपने लिए कैश का बंदोबस्त कर सकते हैं, कितना जल्दी वो अपने आप को कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। लिक्विडिटी रेशियोज में टू टाइप ऑफ रेशियोज है, एक करंट रेशियो है और एक क्विक रेशियो है। करंट रेशियो का फार्मूला है क्या, ये क्या है, लिक्विडिटी रेशियोज है, करंट रेशियो इज इक्वल टू, देखिए ये बेटे मिसिंग है, ठीक है, इसको प्लीज अपने साथ लिख के, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट, ऊपर आएगा करंट एसेट्स जो आपको नजर नहीं आ रहा, करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय जो आपको नजर नीचे नहीं आ रहा वो है करंट लाइबिलिटीज, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, सिंपल। करंट रेशियो किस तरह मालूम करेंगे, करंट एसेट्स आपके पास कितने हैं, इतने हैं, और करंट लाइबिलिटीज आप देखें तो दोनों किस में देखेंगे, दोनों बैलेंस शीट में देखेंगे, दोनों का जो आंसर होगा किससे आएगा, बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में आप देखें प्लीज, करंट एसेट्स कितने हैं,
करंट एसेट आपके पास ये है, टोटल करंट 39,202 रुपीज, और करंट लाइबिलिटीज आपके पास देखे कितने हैं, 20,000 है टोटल करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब दोबारा आ जाए, सॉरी एक मिनट, ठीक है बेटे। तो एक है करंट एसेट्स, करंट रेशियो इज इक्वल करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स हमारे 39,202 रुपीज है बैलेंस शीट से मालूम करेंगे, और करंट लाइबिलिटीज 22,202 रुपीज ये भी हम बैलेंस शीट से मालूम करेंगे। आपके सामने दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट आपको दिया गया है, उसमें आपको ये दिया गया है, देखो करंट एसेट्स इतने हैं 39,202 रुपीज, और करंट लाइबिलिटीज कितने हैं आपके पास 22,202 रुपीज, तो इसको आप इसमें आप एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास करंट रेशो आपके पास करंट रेशो आ जाएगा, करंट रेशो इज इक्वल करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज 39,202 रुपीज 1.95। ठीक है, नाउ क्विक रेशो, एक करंट जो जो लिक्विडिटी रेशोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशोज में एक करंट रेशो है और एक है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का मतलब यह है कि हमें बहुत जल्दी हमें वो मिल जाता है, करंट रेशो तो ये है कि हम करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशो ये भी आपको नजर नहीं आ रहा, प्लीज इसको भी अपने साथ लेके, क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसमें हमने करंट एसेट से क्या माइनस कर दिया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि इन्वेंट्री एक ऐसी चीज होती है कि आपको जल्दी कैश वापस नहीं करता, ये थोड़ा टाइम लेता है, कैश को कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है इन्वेंट्री में, तो इसलिए हमने करंट एसेट से इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, ताकि हमें बहुत वो करंट एसेट्स वो एसेट्स उस करंट एसेट उस एसेट को बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं कैश में, लेकिन इन्वेंट्री एक करंट एसेट है जो बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होता कैश में, तो इसलिए हमने इसको करंट एसेट से इन्वेंट्री को माइनस कर दिया। तो क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट उसी लाइबिलिटीज, उसी तरह का फार्मूला है जो करंट रेशो का फार्मूला है उसी तरह है, लेकिन इसमें क्विक रेशो में यह है कि हमने करंट एसेट्स से इन्वेंट्री माइनस किया, करंट एसेट्स लेस या माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अगेन क्विक रेशो का फॉर्मूला किस तरह मालूम करेंगे, करंट एसेट्स हमारे पास कितने होंगे, इसी तरह आपने ऊपर लिखा हुआ है, क्विक रेशो में देखें करंट एसेट्स कितने थे 39,202 रुपीज लेस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री किधर होता है, इन्वेंट्री आप देखेंगे बैलेंस शीट में बेटे, ठीक है ना। इन्वेंट्री जो होता है स्टॉक, वो आपका देखे इन्वेंट्री आपको इधर दिया गया, इन्वेंट्री देखो करंट एसेट्स के साथ कैश है 9,000,000, अकाउंट रिसीवेबल है 1,000,000, इन्वेंट्री कितना है 22,000,000, दिस इज इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री, करंट एसेट्स कितने हैं 39,000,000 लेस इन्वेंट्री माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट से माइनस करो इन्वेंट्री को 22,000,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 22,000,000, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा क्विक रेशो आपके पास आ जाएगा बेटे, ठीक है ना। क्विक रेशो ठीक है, क्विक रेशो करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री हमने क्यों माइनस किया है, इसलिए माइनस किया है करंट एसेट से, क्योंकि इन्वेंट्री आपको जल्दी कैश नहीं देता, बहुत कुछ टाइम लग जाता है, स्टॉक जो होता है जब वो मार्केट में जाएगा उसके बाद सेल होगा उसके बाद आपको कैश आएगा, इसलिए हमने करंट एसेट क्विक नाम से जाहिर है क्विक रेशो, क्विक वो चीज़ जो हम बहुत जल्दी वापस करते हैं, करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इन्वेंट्री को हमने माइनस कर दिया करंट एसेट से, ताकि हमें वो चीज़ मिल जाए जो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैश में, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा करंट सॉरी क्विक रेशो। देखिए इसमें लिखा हुआ है एंड देखो लिखो द बैलेंस शीट फिगर शो दैट एक्मेस कॉर्पोरेशन करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री आर वर्थ 19 मिलियन। देखो 39,000 ये आपके ये टोटल करंट एसेट्स थे, माइनस ये क्या था इन्वेंट्री था, आपको मैंने बताया बैलेंस शीट 20 इट्स करंट लाइबिलिटीज आर 20 मिलियन, ठीक है 20 मिलियन डिवाइडिंग 19 मिलियन बाई 20 मिलियन वी सी दैट इट्स क्विक रेशो इज 0.95, क्विक रेशो ऑफ 0.95 मीन्स इज छोड़ दे इसको, ठीक है ना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या है। नाउ उसके बाद क्या है, डेट रेशोज है, डेट रेशोज एक हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज किए हैं, उसके बाद हमने लिक्विडिटी रेशोज किए हैं, उसके बाद हमने डेट रेशोज करने हैं। डेट रेशोज क्या है, हमें पता चलता है कि हमने कितना डेट वापस करना है, डेट के मुकाबले में और कौन से आइटम उससे क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, ठीक है। तो डेट रेशोज में कौन कौन से रेशोज आते हैं बेटे, एक है डेट टू टोटल एसेट्स, ठीक है, एक है डेट टू इक्विटी, और एक है टाइम इंटरेस्ट अर्न, ये तीनों है, तीन, ठीक है, तीन है। फर्स्ट इज
ये क्या है, ये आपके डेट रेशोज है, डेट रेशोज, ठीक है। तो डेट रेशोज में सबसे पहले कौन सा डेट रेशो, डेट टू टोटल एसेट्स, ठीक है, डेट टू टोटल एसेट्स। डेट टू टोटल एसेट्स का फार्मूला है डेट टू टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, डेट टू टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, टोटल डेट डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। टोटल डेट किधर होगा आपके पास, बैलेंस शीट में, और टोटल एसेट्स आपके किधर होंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो दोनों को आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपने खुद मालूम करना है कि आपने जो एसेट है, जो सॉरी आपको पता होना चाहिए कि जो मैं मुझसे जो चीज मांगी गई है वो इनकम स्टेटमेंट में है कि बैलेंस शीट में है या दोनों में है। तो कुछ ऐसे रेशोज होंगे जिसके आपके लिए आपने इनकम स्टेटमेंट में भी देखना होगा और बैलेंस शीट में भी देखना होगा। कुछ ऐसे रेशोज होते हैं जिनके सिर्फ आपको जो आंसर वो किधर मिलेगा, जो अमाउंट है वो किधर मिलेगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इस तरह आपने खुद मालूम करना है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, डेट रेशोज, डेट टू टोटल एसेट्स, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल डेट हमारे देखो, टोटल करंट लाइबिलिटीज कह रहे 20,000 और टोटल लोन 21,000। तो 20,000 डिवाइड बाई 21,000 टोटल लॉन्ग टर्म और टोटल करंट लाइबिलिटीज और टोटल लॉन्ग टर्म डेट। तो 20,000 डिवाइड बाई 21,000 इसे 41 मिलियन आ जाता है, 41 मिलियन आ जाते हैं इस टोटल डेट से, प्लस टोटल डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट कितने हैं, 50 मिलियन, ठीक है, 50। तो प्लीज आपने खुद देखना है ये टोटल, ये आपने खुद देखना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम इसी तरह आएगा, ठीक है। तो डेट रेशो आपके सर डेट डेट टू टोटल एसेट्स है, डेट टोटल डेट डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। टोटल डेट इज इक्वल टू, आपको मैंने बता दिया 41 मिलियन आ गया, डिवाइड बाई टोटल एसेट्स कितने, 50 मिलियन। टोटल डेट किस है, टोटल करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म टोटल करंट लाइबिलिटीज कितने हैं, 20 मिलियन, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितने हैं, 21 मिलियन। तो कितना बन जाता है, 41 मिलियन। आप उसमें देखें बैलेंस शीट में, आपको मैंने अभी बताया। उसके बाद टोटल एसेट्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स 50 मिलियन इज इक्वल टू 0.82 और 82%। ये तो डेट टू टोटल एसेट हो गया। डेट टू टोटल एसेट के बाद है डेट टू इक्विटी। तो अगेन वो क्या था, डेट टू टोटल एसेट था, डेट टू इक्विटी, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। टोटल डेट कितना है, अगेन टोटल करंट एसेट्स प्लस टोटल करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितना आ गया, 41 मिलियन डिवाइडेड बाय तो इससे क्या हो गया, ऐसे मालूम हो गया हमें टोटल डेट टू इक्विटी से टोटल डेट हमारा 41 मिलियन है और इक्विटी हमारा कितना है, टोटल इक्विटी 9 मिलियन। देखिए इक्विटी इधर आपके बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में आप देखें, बैलेंस शीट में आप आ जाए तो आपको इक्विटी आ जाएगा, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी है 9, देखो 9,000, 9,000, 9,000। ये टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी है, या तो टोटल डेट टू इक्विटी रेशो है टोटल डेट, टोटल डेट इज $20,000 करंट लाइबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म 21,000, तो $41 मिलियन आ गया प्लस डिवाइड बाय इक्विटी, तो टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी 9 मिलियन, 9,000, ठीक हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेट टू इक्विटी रेशो आ गया, डेट टू इक्विटी रेशो ये आ गया 41 में डिवाइड बाय 9,000, तो 4.56। और उसके बाद है टाइम इंटरेस्ट ऑन रेशो, एक मिनट बैठे, और जो लास्ट जो है वो है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो जो है दैट इज एक मिनट प्लीज, ठीक है। और जो लास्ट वन है दैट इज टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो जो है उसका है टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड इज इक्वल टू, ये भी ज़रा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। दैट इज टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इसका कैसे मालूम करेंगे, EBIT जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वो किस किधर होगा, वो बैलेंस शीट में होगा कि इनकम स्टेटमेंट में, वो इनकम स्टेटमेंट में होगा। इनकम स्टेटमेंट में देखे इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज इक्वल 3,200,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस।
नाउ इंटरेस्ट एक्सपेंस किधर होगा, वो बैलेंस शीट में किधर, वो भी इनकम स्टेटमेंट में होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर लिखा हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1350000, तो किस तरह करेंगे, ईबीआईटी जो आपको दिया गया है 3200000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 1350000, दैट इज टाइम इंटरेस्ट अर्न का फार्मूला, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस 1350, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, ठीक है ना, वो फिर आप इस तरह करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने है ईबीआईटी 3200000 डिवाइड बाय 1350 ट्रिपल जीरो, दैट इज इक्वल टू 2.37, ठीक है। तो ये सारे रेशोज हमने मालूम कर दिए। इसी तरह एग्जाम में आपको एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिया होगा, इस तरह इनकम स्टेटमेंट दिया होगा और इस तरह एक बैलेंस शीट दिया होगा, जिसकी मदद से आप इन सारे रेशोज को मालूम करेंगे, ईजी है, ठीक है ना। और आप एक और बात याद रखें कि प्लीज कुछ मिस प्रिंट्स है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, एक फार्मूला ये हो गया। एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन थर्ड है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, थर्ड है। फोर्थ इज रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तो नेट इनकम कैसे मालूम करेंगे, इनकम स्टेटमेंट से, और टोटल एसेट्स कैसे मालूम करेंगे, बैलेंस शीट से, ठीक है, उससे हमारे पास रेशो आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी, नेट इनकम अगेन इनकम स्टेटमेंट से मालूम करेंगे, और कॉमन इक्विटी जो है, ये जो कॉमन इक्विटी है, कॉमन इक्विटी बैलेंस शीट में है बेटे, बैलेंस शीट में देखे, इधर सामने लिखा हुआ कॉमन टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी 9000000, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी 9000000, इससे हम मालूम करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी मालूम हो जाएगा। उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद है लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज के दो रेशोज होते हैं, एक होता है करंट रेशो और एक होता है क्विक रेशो। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स बैलेंस शीट से, और करंट लाइबिलिटीज ये भी बैलेंस शीट से मालूम हो जाएगा। प्लीज आप इसको देख के आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्विक रेशो है, क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री, द लेखा वो करंट एसेट, आपको मिसप्रिंट है, ये दोनों मिसप्रिंट है, करंट रेशो भी मिसप्रिंट है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, और क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स बैलेंस शीट में होगा, लेस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी बैलेंस शीट में होता है, वो माइनस करे, करंट एसेट माइनस करे इन्वेंट्री को, वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये भी बैलेंस शीट में, तो इससे एक वैल्यू आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना, जिसको करेंगे। उसके बाद है डेट रेशोज, एक डेट टू एसेट रेशो है, डेट टू टोटल एसेट्स है, टोटल डेट, डेट टू टोटल एसेट का फार्मूला है, टोटल डेट, डेट टू टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। टोटल डेट कैसे मालूम करेंगे, बैलेंस शीट से, ठीक है ना, टोटल करंट लाइबिलिटीज प्लस टोटल टोटल करंट टोटल डेट कैसे मालूम करेंगे, बैलेंस शीट में जाए, बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको टोटल डेट आ जाएगा। टोटल करंट लाइबिलिटीज है 20,000,000, और टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डेट या कितना है वो 21,000,000, 20,000,000 प्लस 21,000,000 इज इक्वल टू 41,000,000, ठीक है ना, ठीक है। डेट टू टोटल एसेट्स भी हो गया। उसके बाद देखे 41, टोटल डेट 41,000,000, और टोटल एसेट्स कितने हैं 50,000,000, टोटल एसेट्स देखे तो ऊपर आ जाए बैलेंस शीट में, तो टोटल एसेट्स भी आपको इधर, टोटल एसेट्स देखे सारे को प्लस कर दिया, आखिर में 50,000,000 आ गया, ठीक है। इससे हमारे पास डेट टू टोटल एसेट्स आ गया। डेट टू टोटल एसेट के बाद है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का इस तरह करेंगे, डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइड बाई इक्विटी, टोटल डेट कितना है 41,000,000, और इक्विटी हमारा पास कितना है, इक्विटी का मतलब है टोटल कॉमन इक्विटी, टोटल कॉमन इक्विटी आप देखे देखे ये टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी 9,000,000, ठीक है ना। इसको करने के बाद ये भी आ जाएगा। और उसके बाद है हमारा लास्ट जो है टाइम इंटरेस्ट अर्न। टाइम इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल टू ई बी आई टी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। ई बी आई टी हमारे पास 3200000 डिवाइड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने हैं 13, तो ये सारे जितने फिगर्स है ये आपको ऑलरेडी दिए एग्जाम में आपको मिलेंगे आपको, ठीक है। जितने भी वैल्यूज है बैलेंस शीट में होगा, इनकम स्टेटमेंट होगा, आपके सामने होगा, आपने सिर्फ इन फार्मूलों को याद करना है, और जो फिगर्स आपको दिए गए हैं उसमें आपने बैलेंस शीट से, इनकम स्टेटमेंट से इसको सिर्फ पुट करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। फर्ज करें टोटल डेट कितना है, इसको इधर लिखे,
तो डेट टू इक्विटी आपसे, मैं एग्जाम में आपसे चार रेशोज मांगू, एक आप मालूम करें डेट टू इक्विटी, एक आप मालूम करें टैप इंटरेस्ट अर्न, और एक आप फर्ज करें मालूम करें करंट रेशो, करंट रेशो मालूम करें या क्विक रेशो मालूम करें, जितने भी रेशोज हैं उसका फार्मूला आपको याद होगा तब जाकर आप फुट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज इन सारे फार्मूलों को आप याद रखें, ठीक है। करंट रेशो किसे कहते हैं, क्विक रेशो का क्या फार्मूला है, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का क्या फार्मूला है और नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या फार्मूला है, ठीक है, ये सारे आपने याद करने हैं, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये फाइव जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में फाइव रेशोज है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये पांच प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है। फिर उसके बाद लिक्विडिटी रेशोज है, लिक्विडिटी रेशोज दो टाइप के होते हैं, लिक्विडिटी रेशोज में एक लिक्विडिटी रेशोज में एक करंट रेशो है, एक क्विक एक एक क्विक रेशो है, और उसके बाद आते हैं डेट रेशोज, डेट रेशोज में तीन रेशोज है, डेट डेट टू टोटल एसेट्स, डेट टू इक्विटी एंड टाइम इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। तो प्लीज इसको जरा आप याद करें, ये सारे फाइनेंशियल रेशोज है, ऐसे हमें मालूम होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। इसी तरह हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस भी किए और इसी तरह फाइनेंशियल रेशोज भी किए, एक किस्म के मालूम करते हैं हम इन की मदद से कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। और जो फाइनेंशियल रेशोज है बहुत आसान है, सिर्फ आपने ये क्या करना है, आपने जितने भी ये फार्मूले आपको दिए गए हैं, जितने भी फार्मूले हैं जैसे डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू टोटल डेट डिवाइड बाई इक्विटी, ये याद आपने करना है, सिंपल सिर्फ याद करें। और जो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट्स है, इनकम स्टेटमेंट से ये वैल्यूज निकालें और इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो इंशाल्लाह ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।